बड़ी खबर इस वक्त कानपुर से आ रही है। गैंगस्टर विकास दुबे का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि करीब 2 घंटे तक चला गैंगस्टर विकास दुबे का ये पोस्टमार्टम। अब इसके बाद पुलिस ये कह रही है कि घर वाले जहां चाहे अंतिम संस्कार कर सकते हैं विकास दुबे का। यह अलग बात है कि जो परिवार वाले हैं, उसके परिजन हैं, वो शव लेने से भी इनकार कर रही है विकास दुबे का। विकास की मां सरला देवी ये साफ कह चुकी हैं कि उनका उससे कोई रिश्ता नहीं था, कोई मतलब नहीं था। तो पोस्टमार्टम हो चुका है, जिस तरह की जानकारी मिल पा रही है, 2 घंटे तक चला करीब ये पोस्टमार्टम। अब पुलिस का ये कहना है कि हैंडओवर किया जा सकता है उनके उसके जो परिजन है, विकास दुबे के परिजन, लेकिन जो परिजन है वो इनकार कर रहे हैं विकास दुबे की बॉडी को लेने से। विकास दुबे जो आज एनकाउंटर में सुबह ढेर हो गया, अब इसकी जांच जो है इंस्पेक्टर अनुराग मिश्रा को दी गई है। कानपुर का सचेंडी जिस तरह से बताया जा रहा है, वहां पर अब किस तरह से ये पूरा एनकाउंटर हुआ, क्या वो परिस्थितियां थी, क्यों आखिर गोली चलानी पड़ी, कैसे भाग रहा था विकास, या क्या वो तमाम चीजें, पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस के पास हथियार, तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। और अब इसकी जांच जो है वो अनुराग मिश्रा करेंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है, 2 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चला है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो घर वाले हैं वो आए ले जाएं और जहां चाहें वो अंतिम संस्कार कर सकते हैं, लेकिन घर वाले लगातार विकास दुबे का शव लेने से इनकार कर रहे हैं। लोमस झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, क्या कुछ पता चल पाया है, क्या कुछ डिटेल्स भी सामने आई हैं पोस्टमार्टम को लेकर? देखिए फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर के बाद जब पोस्टमार्टम हो जाएगा, और ये भी कहा जा रहा है कि बॉडी को बिकरूर ले जाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप देखने वाली बात होगी कि अभी क्योंकि पोस्टमार्टम का जो प्रोसेस है वो पूरा हो रहा है और पूरा होने के बाद बॉडी को बिकरूर ले जाया जाएगा। आप देखने वाली बात होगी क्योंकि पिता ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया है, जो इंक्रीमेशन में उनकी रहने की बात हो रही थी वो उन्होंने मना कर दिया है कि वो इंक्रीमेशन में नहीं रहेंगे। तो फिर ऐसे में क्या क्या पुलिस द्वारा ही किया जाएगा? लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ठीक है, अभी वैसे तो रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी जो भी तमाम जो वैसे होगी प्रिलिमिनरी की अगर बात करें तो वो रिपोर्ट आई होगी, उसमें क्या कुछ पता चल पाया है लोमस? चलिए, लोमस झा हमारे सहयोगी इस बाबत हमें जानकारी दे रहे थे। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि अभी भी प्रोसेस पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो अभी बाकी रहती हैं, लेकिन हाँ ये है कि अब ये कह दिया गया है पुलिस की ओर से कि परिजन जहां चाहें अंतिम संस्कार कर सकते हैं विकास दुबे का, लेकिन परिजन उससे इनकार कर रहे हैं कि हमें उसका शव नहीं चाहिए। गैंगस्टर विकास दुबे का पोस्टमार्टम हो चुका है।